अस्सलामुअलैकुम। क्या चाल मीन करते हैं कि आप खैरियत होंगे? और मर्दुआ है कि आप हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब। मैं मोहम्मद को। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में भाई साहब चंद्रयान मिशन कामयाब होने के बाद, सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद जनाब जो इंडियन आर्मी ने जोश और खरोश के साथ खुशियां मनाई है, छोटी सी वीडियो भाई साहब, और उनका जज्बा देखते हैं कि कंट्री के लिए कैसा है। देखते हैं वीडियो और अपना भी एंड कर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। भाई साहब वीडियो तो छोटी सी थी, बार बार क्लिप लगा रखे थे, लेकिन भाई साहब वो क्लिप बार बार देखने से भी बंदा बोर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो क्लिप भी ऐसे खुशी वाले थे। बिल्कुल। तो मैं तो डांस नोट कर रहा था, मुझे तो भाई साहब जो सिख भाई थे सरदार जी, वो अपने डांस कर रहे थे। सिखों को आता ज्यादा पंजाब में, वो अपने डांस कर रहा था, अपने रंग में रंगा हुआ था, होश होके बंदा डांस कर रहा था। उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था।
और भाई साहब मिठाइयाँ बांटी जा रहे थे। बढ़िया अब ना तकरीबन एक हफ्ते जिक्र तो ये चलना चाहिए खुशी में हर काम जो करो तो बनता नहीं है, बनता नहीं है, कह रहा हूँ बनता है खुशी की इतनी बात। कहने का मतलब है आठ दिन तकरीबन ये इस तरह लगा कि आज ये नया काम हो गया तकरीबन इस तरह दुनिया को आराम कर भाई साहब रोज रोज थोड़ी बनती है कोई तो मैं भी कह रहा हूँ खुशी मिले अपने अपने अंदाज में करेगा लिखा जाएगा। ये हिस्ट्री ऐसे नहीं बनी, ये 50 साल हो गए 60 साल वो जब से इसरो बना है आज वो हिस्ट्री जब बनी है कामयाब। ये हिस्ट्री बनाने में बड़ा टाइम लगा है तो इसके लिए भाई साहब जितनी खुशियां मना रहे वो कम है और हर बंदा हिंदुस्तान का भाई साहब खुशियां मना रहे। इसरो के लाइव पेज में 30 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो लाइव देख रहे थे इतने ज्यादा लोग दे रहे थे और इंडिया में कई लोग जो जवान थे जो नौजवान जनरेशन है जिनको थोड़ा सा मोबाइल से अटैच है या जिनको थोड़ा पता था वो भाई साहब लाजमी ये चीज देख रहे और वेट कर रहे थे। मैं एक 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 वीडियो देख रहा था उसमें तो 20 घंटे भी रहते थे तो उसके ऊपर भी लोग जो है 30,000 लोग बैठे थे। अब भाई साहब अक्सर लोगों के आंसू निकले जब उन्होंने हाँ खुशी के भाई बिल्कुल एक जुगो ये आदमी है जो देख रहे वो कंट्री की सक्सेस पे खुशियां मना रही है है ना तो आगे मिठाइयां बांटी जा रही है भाई मिठाइयां बांट रही है भाई हमारे आदमी उस वक्त मिठाइयां बांटी जाती है बांटती है जब या तो उनके जो मतलब ज्यादा पैसा आ जाए तब बांटी जाती है तो या ईद के मौके पे मतलब खुशी मनाते हैं बॉर्डर पे इंडियन मर्जी का प्राइम मिनिस्टर आ जाता है वो ही ना है ना दो मौके सबसे ज्यादा जो अच्छी खुशी वो ईद पे ही मनाते हैं क्योंकि वो मिलन होता ही होता है ना वरना मर्जी का जो काम हो जाए फिर तो ग्रेजुएशन ही होती है फिर वो ना अमरेश पुरी वाला जिस तरह करता ना जश्न हो लंबे वाला जश्न होता है फिर तो अगर माल मिल जाए तो। बाकी भाई आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जो लैंडर जो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है तो इसमें पूरे हिंदुस्तान को मुबारक हो और भाई साहब खुशियां मनाए आप और कई जो शोबे हैं वो सारे शोबे तक खुशियां मना रहे हैं और छोटी छोटी वीडियो हम भी लाते रहेंगे क्योंकि काफी वीडियो रिकमेंड हो रही है। बात यह है कि जिस तरह हिंदुस्तान में भी खुशियां मनाई जा रही हैं हर शोबे में जो बंदा जिस शोबे में भी है ना भाई वो उस शोबे में अपना ईमानदारी के साथ काम करे तो देशभक्ति है भाई बिल्कुल जी। इसमें क्या होता है जब बंदा हर शोबे में वो काम कर रहा है ना एक टीचर है वो अपना पढ़ा रहा है एजुकेशन दे रहा है अच्छे से अब कोई भी मिशन कामयाब होता है ना उसके पीछे मेहनत का वो भाई साहब सारे जितने भी शोबे हैं हर फील्ड के लोगों को खुशी को कहीं ना कहीं उसकी वजह ये ना तारक वो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल भाई ये चेन जो जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। डिफेंस वाले आर्मी वाले ना हो तो भाई साहब कंट्री की जब हिफाजत नहीं होगी तो कोई इदारा चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा। स्कूल कॉलेज ना हो तो क्या इसरो आज इस तरह कामयाब होती ना होती तो भाई साहब सारे इदारों का कहीं ना कहीं मेहनत का काम किया हुआ है तब जाकर आज ये नौजवानों ने कर दिखाया ऐसी बात है ऐसी ऐसे तो नहीं भी एक बंदे ने ऐसे ही करके खड़ा हो गया काम ये नहीं। और मैं ना एक वीडियो देखी थी जिसमें जो पहला जो स्ट्राइक लॉन्च किया था ना वो भाई साहब साइकिल पर लेकर गए थे इतना बजट था सिर्फ हाँ जी बिल्कुल साइकिल पे लेकर गए थे इतना बजट बहुत पुरानी शुरुआत की बात है तो आज भाई साहब देख लें कि चांद पर इसरो पहुंच गए क्या बात है भाई। तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।